नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से बहुत से पेरेंट्स और खुद स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि मैं जनरल नॉलेज पर वीडियोस क्यों नहीं लाती। तो आप ही के कहने पर और आप ही के लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 10 जनरल नॉलेज के सवाल के जवाब आपको देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही मैं निर्धारित करूंगी कि आगे ऐसी वीडियोस लानी है और लानी है तो कितनी लानी है। साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स से अपील करूंगी कि ये वीडियो पूरी देखें और सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि वे अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जनरल नॉलेज का संबंध सिर्फ स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने तक सीमित नहीं है या फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने तक सीमित नहीं है। जनरल नॉलेज आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और सबका सामान्य ज्ञान तेज़ हो यह हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का पहला सवाल, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा सवाल, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो इसका जवाब है असम। तीसरा सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। चौथा सवाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, यानी जिसे हम शुगर भी कहते हैं। पांचवा सवाल, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका जवाब है मंगल पांडे। आज का छठा सवाल, कौन सा विटामिन नींबू यानी कि लेमन में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका जवाब है विटामिन सी। आज का सातवां सवाल, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। आज का आठवां सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जवाब है विटामिन ए। आज का नौवां सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका जवाब है भगत सिंह ने। और आज का आखिरी सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? और इसका जवाब है पंजाब में, अमृतसर में। तो यह थे 10 सवाल जनरल नॉलेज के जो मैं आज लाई हूँ। आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि सबकी शिक्षा शिक्षा संबंधित इन्फॉर्मेशन भी लेके आता है और एडमिशन से संबंधित ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा से लेकर आता रहा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।